हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आज मैं आपको लेकर चलती हूं कैली टार्टन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। मैं दिखाती हूं कैसा रहा हमारा आज का दिन, तो बने रहना मेरे साथ। सो ये है सी लाइफ एंट्रेंस यहां से, और इसके सामने ही ये पूरी पार्किंग बनी हुई है। आप यहां गाड़ी खड़ी कर सकते हो और पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है आपकी यहां पे पार्किंग। तो आप यहां पार्क करके आप अंदर चलो। तो हम चलते हैं अंदर। यूजुअली यहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है, बट आज है नहीं। मैं मम्मी के साथ आई थी 2020 में, तब तो डेफिनेटली बहुत लंबी लाइन थी पीछे तक की, आज तो नहीं है। और ये एनुअल पास वगैरह उन्होंने लिखा है 119 का। ये पूरा एंट्री है और हमने टिकट ऑनलाइन ली हुई है। आप यहाँ काउंटर से भी ले सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ही लेना है, बट ऑनलाइन चेक करते रहो, बहुत अच्छी डील मिल जाती है, कभी कभी सस्ते में मिल जाती है और यहाँ पे फुल रेट में मिलती है, तो वो बस एक चीज़ है। और ये अगर आपने यहाँ से परचेज करना है तो उसके लिए ये लाइन है, जो कि वी डोंट नीड टू, क्योंकि हमने ऑनलाइन ऑलरेडी परचेज किया है। सो अगर आपको टॉयलेट वगैरह यूज़ करने हैं तो यहाँ पे ये टिकट काउंटर है और ये रहा आपका टॉयलेट का एरिया, तो यहाँ से आप जा सकते हो। ये रहा, सो ये यहाँ का पुराना, इन्होंने थोड़ा सा वो दिखाते हैं, वही है यहाँ पे, पहले ऐसे था। तो हम ऐसे काफ़ी सारे ऑलरेडी जा चुके हैं। हॉविक विलेज है उसमें से एक, आप डेफिनेटली वो मेरी वीडियो चेक करना, उसमें आपको दिखेगा कि न्यूजीलैंड में पहले कैसे घर थे, कैसे घर बनाते थे, उसमें क्या क्या सामान था, वो सारा कुछ है उसमें। तो यहाँ पे तो दिखाई रहे, बट वो एक अलग से प्रॉपर एक वीडियो है मेरी उस विलेज की। और यहाँ पे ये इन्होंने देखो डाइनिंग टेबल वगैरह ये सारा कुछ रखा हुआ है, और उसके बारे में यहाँ सारा कुछ दिया भी हुआ है, तो आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये बंक बेड्स वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं सारे, और ये यहाँ पे उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है पूरा। और ये पियानो, तो सारा कुछ है इन्होंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। सो यहाँ पे भी है जो इन्होंने काफ़ी कुछ दिखाया हुआ है, ये सारा कुछ आई डोंट नो ये कैमरे के लेंस वगैरह है या क्या है, बट यहाँ पे इन्होंने सारा का सारा ये दिखाया हुआ है। आई थिंक कैमरे के लेंस वगैरह ही होंगे। ये गैस लाइट पेपर है, हाँ ये फिल्म टैंक पाउडर है, ये सारा यहाँ दिखाया हुआ इन्होंने। ये और यहाँ पे इन्होंने ये टूल्स वगैरह रखे हुए हैं। ओ ये प्रिंटिंग प्रेस है, ये तो उन्होंने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, अगर आप प्रॉपर पढ़ोगे। ये सिलाई मशीन है सिंगर की, तो ये सारा यहाँ पर है। सो ये अब इन्होंने एक एंट्री सी बनाई हुई है यहाँ पे, आई थिंक ये फोटोग्राफ क्लिक करेंगे। चलो पापा यहाँ फोटो खींचेंगे। सो यहाँ पे हमारी फोटोग्राफ्स हो चुकी है, अब हम चलेंगे आगे। और ये ना घूमता है, ये यही सराज बोल रहे हैं। चलो चलो ये भी घूमेगा, नहीं नहीं ये भी घूमेगा, आओ फील हो रहा है घूमते हुए पापा। पापा कह रहे हैं लक्ष्मण झूला है ये। आप पूरे घूम रहे हो माँ, ये देखो पूरे घूम रहे हो, ये दिख रहे घूमते हुए। चलो आ जाओ आगे आ जाओ। तो ये पूरा ऐसे रोटेट होता रहता है, और इसके बाद ये हमारी पेंगुइन्स आ जाएंगी। अभी एंटर करते ही सबसे पहले पेंगुइन आती हैं। ये रहा, अगर अच्छा से व्यू देखना है तो ये रहा, और ये हमारी यहाँ पे पेंगुइन्स हैं।
सो पेंगुइन को देख के मैंने ये चीज़ तो नोटिस किया है, हर कोई खुश होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। मेरी मॉम आई थी, वो भी बहुत एक्साइटेड हुई थी, एंड माँ पापा भी दोनों बहुत एक्साइटेड थे पेंगुइन्स को देख के। वो जिस तरीके से चल रही थी, जितनी छोटी थी, पानी में जिस तरीके से जा रही थी, वो हर एक छोटी छोटी चीज़ इंजॉय कर रहे थे। और उन्होंने यहाँ पे अंदर आप पेंगुइन को फीड भी करा सकते हो, आई गेस उसके अलग से चार्जेस हैं। बट हम लोगों ने जो बेसिक वाला था, हमने सिर्फ विजिट वाला लिया था, हम लोगों ने और कोई एक्स्ट्रा एड ऑन कुछ नहीं कराया हुआ था उसमें। सो इन्होंने यहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके बारे में, ये सारा कि उनका नेस्टिंग का टाइम कब है, हैचिंग का टाइम कब है, उसके बाद ये देखो कैसे होगा, वो सारा इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है यहाँ पे आके, तो वो सारा कुछ भी पढ़ सकते हो। और यहाँ पूरा का पूरा कांच से उन्होंने बनाया हुआ है और आप अच्छे से देख सकते हो, बट हाँ ठंडा ज़्यादा है तो इस वजह से ये थोड़ा सा हो रहा है। पेंगुइन चलते कितनी क्यूट लगती है यार, ये सारा पूरा का पूरा यहाँ पे ही है। अब वो कांच भी साथ साथ क्लीन कर रहे हैं ताकि आप देख सको, तो कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा कि आप ये देख कैसे इंजॉय कर सकते हो। सो माँ इतनी खुश थी पेंगुइन को इतने क्लोजली देख के, वो जैसे चल रहे थे, माँ उनको ही बार बार कॉपी कर रही थी। मैंने छोटी सी माँ की भी क्लिप डाली है, मैं आपको माँ को भी दिखाती हूँ। माँ ऐसे पूरे हाथ पीछे करके, माँ इतनी खुश थी कि ये ऐसे चल रहे हैं टिक 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 करके, एंड हम काफ़ी देर वहीं खड़े रहते हैं। यहाँ पे ये पेंगुइन कर रही है और इधर ये माँ कर रही है। तो माँ ने जेन्युइनली बहुत इन्जॉय किया। सो यहाँ पे ये इन्होंने बनाया हुआ है कि इतना ठंडा पानी होता है हाथ डाल के, वही सराश ने अभी देखा है, अब माँ देख रही है तो उससे पता लगेगा कि कितना ठंडा पानी है वहाँ पे। 30 सेकेंड्स के लिए उन्होंने डाला हुआ है। बहुत ठंडा है, नहीं डाला ज़्यादा देर। ओह यस, बहुत ही आइसी कोल्ड वाटर है भाई, डिप योर हैंड, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। तो यहाँ पे ये इन्होंने स्क्विड रखी हुई है, ये पूरी कितनी बड़ी है, और उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि ये 12 1 साल की है ये, और फीमेल है, और इसका वेट है 250 किलो और 11 मीटर है इसकी लेंथ ये। और ये साउथ आइलैंड के कोस्ट पे मिली थी ये इन्होंने यहाँ प्रिजर्व करके रखी हुई है, और उसके बारे में उन्होंने पूरी की पूरी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है ये दी। सो ये वाला है जेली फिश का, और यहाँ पे इन्होंने दिखाई हुई है कि ये मून जेली है, जेली फिश लाइफ साइकिल, ये सारा कुछ इन्होंने दिखाया हुआ है। और ये देखो यहाँ तो पैराशूट सब बन रहा है, ये पूरा प्रॉपर आपको जेली फिश दिखेगी ये यहाँ पे, देखो ऐसे होता है पैराशूट बन रहा है। ये इधर भी है, ये तो स्टारफिश आई थिंक ये नकली है, बट ये देखो यहाँ अगेन कितनी बड़ी भी है। और ये इन्होंने लाइट, मैंने जैसे बोला था कहीं रेड है कहीं ब्लू है, इन्होंने पूरी लाइट की हुई है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट। सो यहाँ पे बच्चों के लिए ऐसे कलरिंग वो भी है, यहाँ बच्चे बैठ के कलर कर सकते हैं और वो भी इंजॉय कर सकते हैं, तो पूरा फैमिली फन है। और इनफैक्ट वो बच्चे देख के खुश भी बहुत होते हैं, फिश वगैरह को देख के और पेंगुइन्स को देख के। तो यहाँ पे देखो बच्चों के साथ अगर आप आए हो तो बहुत अच्छा वो है। और ये वाली फिश कितनी, ओह माय गॉडनेस लुक एट दिस, वाओ सो प्रिटी, कितनी सुंदर है यार, इन्होंने कितना सुंदर से बनाया भी हुआ है ये। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है व्हाट आर आवर लिव हियर, और यहाँ पे मेरे को जो है एक दिख तो रहा है गिरगिट की तरह है, ऐसे स्टिल बैठा है, हिल भी नहीं रहा है तो ये। और ये इसके लिए पूरा इन्होंने ये देखो पानी वगैरह ये सारा कुछ उसके लिए एक जगह बनाया हुआ है। सो जो ट्वट आ रहा है वो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि द लास्ट सर्वाइवर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ रेप्टाइल दैट थ्राइव्ड इन द एज ऑफ डायनासोर्स,
जो हमने अभी वहाँ देखा था वहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ये प्ले एरिया है बच्चों के लिए, और अगर आपको भी रेस्ट करना है तो आप यहाँ पे कैफेटेरिया वगैरह है, आप खा पी सकते हो यहाँ पे। ये पूरा कैफेटेरिया है यहाँ पे खाने पीने के लिए, और 15 का अच्छा एक ड्रिंक, और आपको ये पेंगुइन वाला स्टफ टॉय मिल जाएगा। ये सारा आइसक्रीम वगैरह है यहाँ पे, और बाहर आप वहाँ देख सकते हो ये पूरा समुद्र का व्यू है यहाँ पे, तो यहाँ बैठ के इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे ये टर्टल वगैरह है और फिश अगेन। कैफ़े के ऑपोजिट भी आपको टॉयलेट, वो टॉयलेट का साइन है, वहाँ पे भी आपको टॉयलेट मिल जाएगा। तो एक बाहर था और दूसरे वाला ये वाला है, ये बच्चों के एरिया जो है उसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे, इसके पास दिख जाएगा। सो ये सेम एक्वेरियम है जहाँ हम वहाँ बैठे थे कैफ़े के साथ में, और ये अब मेरी हाइट देखो से ऊपर हो चुका है, पहले वो नीचे था। एंड यहाँ पे ये सारी वही फिश वगैरह है, और ये पूरा ये वो तो अंदर तक जा रही है के लिए, यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। डिड यू फाइंड अवर टर्टल? यस वी डिड, वो वहाँ पे है। कितनी बड़ी फिश है, लुक। डू नॉट स्टेप ऑन हियर। ओके, कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हो ये शार्क कितनी अच्छी बनाई हुई है ना। तो अब बस हम आगे बढ़ रहे हैं, ये है शार्क जोन में। और ये पूरा बेल्ट है, इसमें अपने आप चलता रहेगा ये, और यहाँ पे ये पूरी आपको यहाँ शार्क्स दिखेंगी। और अगर आप इस पे नहीं खड़े हो ना, हाँ देन आप यहाँ पे चल भी सकते हो। ये इधर ही है आगे एक, यहाँ बहुत छोटी छोटी फिश भी डाली हुई है इन्होंने। ये देखो, इसको देखो। ओके, तो आप यहाँ पे एक्टिविटी है, यू कैन बुक फॉर इट, जिसमें आप शार्क के साथ स्विम कर सकते हो। ये री शार्क है, ये वाली भी शार्क है माँ, ये देखो ये इधर लंबी सी है, ये भी तो शार्क है, ये वाली ये शार्क है। ओ वाओ, ये देखो इसके दांत, देखो ये देखो इसके दांत होंगे शार्क, ये भी तो शार्क है। ये सारी तो फिश है, स्विम करा देते हैं। हाँ, उसमें क्या करते हैं, जो स्विम कराते हैं उसमें आपको एक जाल के अंदर डाल के वहाँ पे छोड़ देते हैं। ये देखो, ये वाली देखो उसकी आंखें देखो, ऐसे आंखें बना के घूम रही है, है ना। सो ये है स्टारफिश, और ये देखो वाह, कितनी क्लोज से आप देख सकते हो ये। तो ये वाला ऑक्टोपस का है, बट आप देखोगे कहीं दिख नहीं रहा है ऑक्टोपस, कहीं भी नहीं दिख रहा, राइट। ये देखो कहीं भी नहीं है। अब ये जो मटका है उसके अंदर देखो, उसके अंदर छुपा हुआ है वो ऑक्टोपस, सो रहा है मज़े में आँख बंद करके, वो उसको आपको आँख दिख रही होगी, आराम से सो रहा है अंदर। सो यहाँ मुझे ऐसी ऐसी चीज़ मिली थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी, जैसे मैंने इतना बड़ा टर्टल कभी नहीं देखा था, आई विल बी ऑनेस्ट।
और एक हमारी मूवी आई थी उसमें डोरी थी, फाइंडिंग नीमो, वो मैंने कभी नहीं देखी थी, वो यहाँ पे आके मैंने देखी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ आके मैं पहली बार देख रही थी, इसलिए मेरे को ही बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, लेट अलोन मेरे पेरेंट्स को या सारांश के पेरेंट्स को। और ऊपर से उन्होंने बनाया एक्वेरियम वगैरह इतना अच्छा था, इसके अंदर जो प्लांट वगैरह लगाए हुए हैं वो बहुत सुंदर थे। और अब ये आई थिंक सी हॉर्स हैं, ये इतने सुंदर लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, ब्लैक कलर के, इतने बहुत छोटे छोटे वो हैं, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है आपको, मैंने बहुत जूम करके डाली हुई है वीडियो, बट आप देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने डिफरेंट लग रहे हैं। सो यहाँ पे आप स्टारफिश को छू सकते हो, अगर आपने वहाँ से वहाँ पानी में से हाथ धो लो एंड देन यू कैन, ये बच्ची वही कर रही है अभी, वो टच कर सकती है स्टारफिश को, उनका हाथ नहीं जा रहा है बट शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट। सो यहाँ पे ये सारा ख़त्म करने के बाद ये पूरा स्टफ़ टॉय का सेक्शन है, यहाँ से आप ये स्टफ़ टॉयज़ वगैरह परचेज कर सकते हो, ये पूरा सी पूरा का पूरा ये यहाँ पे ऑप्शन है, ये जैसे $15 की है, ऐसे टॉप टॉयज़ वगैरह, टर्टल, जेली फिश। तो यहाँ पे ये सारी फोटोग्राफ्स हैं, आप देख सकते हो अपनी, ये यहाँ पे ये रही। तो आपको चाहिए तो बस हमने ये टिकट स्कैन की थी और उसके बाद ये सारी आ गई थी, ये सारी वो आप ले सकते हो। सो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।